हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज की। हमारा काम बहुत आसान कर सकती हैं और हमारा टाइम भी बचा सकती हैं और हमें स्मार्ट भी बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको देते हैं मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पर टेक्नोलॉजी वीडियोस। सबसे पहली शॉर्टकट की है Alt+F4। Alt+F4 का इस्तेमाल कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम बंद करने के लिए किया जाता है। ये हमारे सामने डेस्कटॉप खुला हुआ है। सिंपल कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद यदि हम Alt+F4 प्रेस करते हैं तो ये शटडाउन के लिए आ जाएगा। शटडाउन के लिए हमें शटडाउन करना है तो ऐसे ही एंटर कर देंगे, और अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो आर प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद दूसरी की आती है दोस्तों Alt+Tab। Alt+Tab का मोस्टली यूज किया जाता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करने के लिए। सपोज हमारे कंप्यूटर में कई प्रोग्राम एक साथ खुले हुए हैं, तो जैसे ही हम Alt+Tab प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये हमारे सामने जितने प्रोग्राम खुले हैं उनकी विंडो सामने आ जाएगी। तो जो सा हमें प्रोग्राम सामने खोलना है उसको सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद आता है Windows+D। Windows+D का यूज किया जाता है हमारे डेस्कटॉप पे जितने भी प्रोग्राम खुले होते हैं सबको एक साथ मिनिमाइज करने के लिए। एक प्रोग्राम खुला हो, 10 हो, 50 हो, कितने भी प्रोग्राम हमारे डेस्कटॉप पे खुले हों, जैसे ही हम Windows+D प्रेस करेंगे वो सारे के सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाते हैं। इस तरीके से पूरी डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाएगी और जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं सब मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद आता है Ctrl+Alt+Delete। इन कीज का हमारे लिए बहुत जरूरी रोल होता है, क्योंकि कभी कभी हमें काम करते करते हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, जो कुछ भी काम नहीं करता, माउस भी मूव नहीं कर पाता जल्दी से, कीबोर्ड के सारे बटन काम नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हम Alt+Ctrl+Delete को एक साथ प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हम इनको प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+Delete, तो ये विंडो टास्क मैनेजर की हमारे सामने खुल जाती है। और हम टास्क मैनेजर खोल के उसको, जो भी प्रोग्राम हमारे यहाँ सामने खुला हुआ है उसको डायरेक्टली बंद कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके एंड पे क्लिक करेंगे और वो बंद हो जाएगा। बात करते हैं Delete vs Backspace। हमारे कीबोर्ड में दो कीज होती हैं, एक डिलीट होती है, एक Backspace होती है। दोनों का काम डिलीट करना होता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं इनका पूरा काम। जैसे ही हम कोई भी फोल्डर बनाते हैं, ये फोल्डर हमने बना दिया, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो ये Backspace से डिलीट नहीं होगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यूज करेंगे हम इसको डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का। जैसे ही हम इस पर डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट करने के लिए पूछेगा हमसे कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो हम इसको, अगर चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। जो डिलीट का यूज हम करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं सपोज हमें इसका नाम चेंज करना है, तो इसके राइट क्लिक करेंगे, रीनेम कर देंगे पहला। दूसरा, इसको शॉर्ट इसका दूसरा एक शॉर्टकट होता है इसका नाम चेंज करने के लिए, किसी भी फाइल और फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए F2 बटन शॉर्टकट होता है इसका। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करने के बाद, इस पर एक बार क्लिक करने के बाद F2 प्रेस करेंगे तो ये हमें नाम चेंज करने के लिए पूछेगा। जो भी हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं वो नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम ABC रख देता हूँ और प्रेस एंटर, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये नाम हमारा ABC में चेंज हो जाता है। बात आती है इसके अंदर हम डिलीट और Backspace कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके और F2 प्रेस करेंगे तो ये नाम चेंज करने के लिए पूछेगा। अगर कर्सर हमारा यहाँ पे है और इससे जो पीछे का लेटर्स हैं, जितना भी पीछे का डाटा है, उसको डिलीट करने के लिए Backspace यूज किया जाता है। और जहाँ हमारा कर्सर होता है, सपोज हमारा कर्सर बीच में है, तो हमें इससे आगे का डाटा डिलीट करना है, इससे आगे के जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं वो डिलीट करने हैं, तो यहाँ पे हम डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम डिलीट प्रेस करेंगे ये कर्सर से आगे का जो भी डाटा है उसको डिलीट करेगा। उसके बाद बात करते हैं Ctrl+T की, जो मेनली यूज किया जाता है गूगल क्रोम के अंदर।
गूगल क्रोम के अंदर कंट्रोल टी का क्या काम होता है? सपोज गूगल क्रोम के अंदर हमें कोई भी नया टैब खोलना है, तो सिर्फ हम कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे और नया टैब खोल के हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस एच का। कंट्रोल प्लस एच मेनली यूज किया जाता है ये गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर। जैसे ही हम गूगल क्रोम ब्राउजर को खोलेंगे और उसके अंदर कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, तो ये जो भी उसकी हिस्ट्री है वो सारी हिस्ट्री हमारे सामने खुल के आ जाएगी, और उसको हम जो चाहे डिलीट करना है, देखना है, कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट ये में यूज किया जाता है गूगल क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए। सपोज हम इंटरनेट ब्राउजर खोलते हैं, खोलने के बाद जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं, तो जो भी उसकी हिस्ट्री है वो सामने खुल के उसको डिलीट करने के लिए हमसे पूछेगा। जो भी उसका डाटा, ब्राउजिंग डाटा है, उसको क्लियर करने के लिए हमसे पूछेगा। यहाँ पे टाइम देखेंगे, टाइम रेंज, जितनी रेंज, जितने टाइम का हमें डाटा डिलीट करना है, क्लियर करना है, उसमें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर डाटा पे क्लिक कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हम गूगल क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ब्लैक स्क्रीन के गूगल क्रोम ब्राउजर पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो मोड। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमें कोई भी नया टैब इनकॉग्निटो मोड में खोलना है, तो हम सीधा सीधा सिंपल प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एन। इस तरीके से हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर इनकॉग्निटो मोड में खुल जाएगा और यहाँ पे हम जो भी ब्राउजिंग करेंगे वो पूरी तरह सेफ होती है, उसका जल्दी से कोई भी जो हिस्ट्री होती है वो जल्दी से सेव नहीं होती है, सेफ ब्राउजिंग होती है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस जे। ये भी गूगल क्रोम ब्राउजर का ही शॉर्टकट है। गूगल क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड मेनू खोलने के लिए हम कंट्रोल जे का यूज करते हैं। देखिए गूगल क्रोम हमारे सामने खुला हुआ है, जैसे ही हम इसके अंदर कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते हैं, इसके अंदर जो भी डाउनलोड मेनू है वो हमारे सामने खुल के आ जाता है। जो जो हमने प्रोग्राम, जो जो ऐप्स हमने, जो जो फाइल्स हमने डाउनलोड करी हैं, वो सारे हमारे सामने खुल कर आ जाती हैं। कंट्रोल प्लस डी, जैसे ये भी क्रोम का, गूगल क्रोम का शॉर्टकट है। जो यहाँ नीचे नीचे लिखे आते हैं वेबसाइट्स के नाम, वो बुकमार्क होते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं। सपोज हम पहले कोई भी एक वेबसाइट खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, गूगल खोल के ये हमारे सामने खुल गया है और हमें इसको बुक मार्क में लेना है, यानी हमारी जो ऊपर की स्क्रीन है ये, यहाँ पे हमें इसका शॉर्टकट लेना है। तो हम यहाँ सीधा कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे, ये सामने नाम पूछेगा हमारा बुक मार्क का, किस नाम से आपको बुक मार्क बनाना है और ये कौन से फोल्डर में जाना है, बुक मार्क फोल्डर है, बस यहाँ पे सीधा हम डन करेंगे। जैसे ही डन करेंगे तो ये हमारा बन गया है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो शो कैसे करेगा? जो राइट साइड में तीन बिंदे आ रहे हैं कस्टमाइज वाले, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ बुक मार्क्स है, सो बुक मार्क्स पर यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी इसका शॉर्टकट होता है। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी प्रेस करेंगे तब भी वो सामने शो हो जाएगा, तो हम सीधा इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारे सामने आ गया। अभी हमने एक बुक मार्क बनाया है गूगल का, वो हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम किसी भी साइट का बुक मार्क अपने यहाँ पे बना के हम शो कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्लिक का इस्तेमाल भी गूगल क्रोम में ही किया जाता है। इसके अलावा कहीं और भी अगर कोई इंटरनेट का लिंक हमारा दिया होता है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमने लैपटॉप सर्च करा, लैपटॉप पे लैपटॉप टाइप करके जैसे ही एंटर करते हैं, तो नीचे बहुत सारे जितने भी इसके लिंक्स हैं वो सामने सब खुल के आ जाते हैं। अब हम एक तो सीधा सिंपल तरीका, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे इसी विंडो के अंदर खुलकर आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो भी हम क्लिक करें वो एक नई विंडो के अंदर खुले। सपोज हमें ये वाला लिंक एक नई विंडो के अंदर खोलना है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही कंट्रोल दबाए दबाए क्लिक करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, तो ये देखेंगे आप एक नई विंडो में खुला है ये, यानी जब हम कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं तो ये नई विंडो में खुल जाता है। ये भी गूगल क्रोम ब्राउजर का ही एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। ये शॉर्टकट होता है जो भी हमारा टैब बंद हो गया है, ये काम करते करते अचानक गलती से हमसे गूगल क्रोम बंद हो गया, या हमने सिस्टम बंद करके चले गए
शटडाउन करके चले गए, और जो टैब हमारे खुले हुए थे जिनमें हम काम कर रहे थे वही सारे टैब हमें वापस से ऑन करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? वो सारा हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी की मदद से करेंगे। देखिए अभी मैंने जो टैब बंद करे थे वो सारे टैब अब कैसे खुलेंगे? कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे मैं एक बार टी प्रेस करूंगा तो जो पहला हमारा उसके अंदर खुला हुआ टैब था वो खुल गया, जो विंडो थी खुल गई। फिर दोबारा मैं प्रेस करूंगा तो जो गूगल के नाम से मैंने खोली थी वो हमारे सामने खुल गई। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे टैब खुले हुए होते हैं ब्राउजर के अंदर, एक के बाद एक सारे हम वापस ला सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी की मदद से। एरो कीज और शिफ्ट, ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो कंप्यूटर के ज्यादातर प्रोग्राम में, ज्यादातर सॉफ्टवेयर में यूज किया जाता है। इसका मेनली यूज होता है टेक्स्ट को या डेटा को सेलेक्ट करने के लिए होता है। सपोज हमें ये डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमें एक सेलेक्ट करने हैं, तो एरो की मदद से जिस प्रोग्राम पे भी कर्सर जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, या उससे ज्यादा प्रोग्राम हमें सेलेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ हम नीचे वाला एरो की प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप नीचे वाला सेलेक्ट हो गया, फिर प्रेस करेंगे उससे नीचे वाला हो गया, और ज्यादा क्लिक करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा। ये सारे एक के बाद एक सेलेक्ट हो जाएंगे, और ये शिफ्ट के साथ जो जिस डायरेक्शन में भी हम एरो की प्रेस करेंगे उस डायरेक्शन के जो भी प्रोग्राम्स एप्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी जगह इसको यूज किया जाता है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट कहाँ पे? सपोज हमारा एक नोटपैड की या वर्ड की एक फाइल है, उसके अंदर हमारे डाटा को सिलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करते हैं, ये हमने टाइप कर लिया, अब हमें ये सारा सेलेक्ट करना है। ये इस तरीके से मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया इसको जिससे समझने में आसानी हो। कर्सर हमारा यहाँ पे है, अब हमें यहाँ से पीछे की तरफ सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस बैक एरो प्रेस करेंगे तो उससे पीछे का सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि इसमें से हमें कुछ कम करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन का जो भी की है यानी कि राइट साइड वाला एरो की, जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। और यदि हमें इस एरो से जहाँ हमारा कर्सर है इससे राइट साइड का, इससे आगे का टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे और इससे आगे का सेलेक्ट कर लेंगे। और जहाँ हमारा कर्सर है इससे नीचे का सेलेक्ट करना है तो नीचे का एरो की प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जितना भी सेलेक्ट है, जितना भी डेटा है, जितना भी टेक्स्ट है, हम सारे इसकी मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ हमारा कर्सर है उससे जिधर की तरफ भी हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वो सारा हम सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ एरो कीज की मदद से। सपोज हमें ये फोल्डर कॉपी करना है, इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कहीं दूसरी लोकेशन पे, कहीं भी जहाँ हम चाहें वहाँ इसको रख सकते हैं, दूसरे एड्रेस पे, दूसरे ड्राइव के अंदर, और वहां जाएंगे और सीधा कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो ये आपका फोल्डर वहां पे पेस्ट हो जाएगा, वहां रखा जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आपने इस फोल्डर के नाम के साथ कॉपी लगा दिया। कॉपी इसलिए इसने लगाया क्योंकि एक नाम के फोल्डर एक ही जगह पे नहीं रह सकते, इसलिए इसने वो नाम के साथ कॉपी लगा दिया, तो ये पता चलेगा कि इस फोल्डर की ये कॉपी है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। अभी दोस्तों जैसे हमने ये फोल्डर बनाए हैं और हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं यानी कि हमें वापस जाना है उसी कंडीशन के अंदर, हमें नहीं चाहिए कोई भी चेंज अपने सिस्टम में, तो कंट्रोल प्लस जेड जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो जो हमने फोल्डर बनाया था वो वापस चला गया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कंट्रोल प्लस वाई यानी कि रीडो। तो जैसे हम कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करते हैं तो ये फोल्डर हमारा वापस आ गया, यानी अंडो रीडो, वापस जाओ आ गया हो, वापस जाओ आ गया हो। ये मोस्टली किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर के ज्यादातर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जेड प्लस कंट्रोल वाई का यूज किया जाता है अंडो रीडो करने के लिए, किसी भी चेंज को पीछे हटाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों ये थे बहुत जरूरी शॉर्टकट जो आपको आने चाहिए, और इन सारे शॉर्टकट का यूज करके आप इन स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, दूसरों को अपने आप को दिखा सकते हैं कि मैं कितना स्मार्ट और कितना शॉर्टकट तरीके से काम कर सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, आप मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।